देख रहे हैं आप हंसी की आवाज़। आज यानी कि लॉकडाउन, जैसे कि सरकार के आदेश हैं कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन का नया नाम रखा गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, इसका एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। हम पीएनबी बैंक के सामने खड़े हैं, जहां धारा 144 भी लगी हुई है। तो ये धारा 144 का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि इस क्यू के अंदर, बैंक के सामने जो क्यू लगी हुई है, इसमें भीड़ देखिए। ये क्या एक धारा 144 का पालना हो रही है, या धारा 144 यहाँ लग रही है, जो इसकी धारा 144 का साफ उल्लंघना किस कदर की जा रही है, इसका परिदृश्य दिखाइएगा कि ये पीएनबी बैंक है, जो पहले ओबीसी होता था, मर्ज हो गया है। एक के ऊपर एक, यानी कि एक क्यू के अंदर एक इंच का भी फैसला नहीं है इस लाइन के अंदर। ये बैंक के सामने खड़े हैं एक सभी के सभी। क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड इन्हें देखने वाला नहीं है? यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं है, और कहते हैं कि धारा 144 लगा दी गई है, और लॉकडाउन, जिसे कि सरकार ने नया नाम दिया है, गृह मंत्रालय ने, प्रदेश के गृह मंत्री ने, कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। हम सुरक्षित हरियाणा यहीं दिखाते हैं, ये सुरक्षित हरियाणा है, जहां दो गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और बैंक सरकारी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, पीएनबी बैंक है, और इस बैंक का दृश्य दिखाते हैं कि एक इंच की भी दूरी नहीं है। ऐसी क्या इमरजेंसी है? क्या बैंक प्रबंधन इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है? यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है इस बैंक के अंदर? ये बेचारे क्लाइंट जाए तो जाए कहाँ, इनको प्रॉपर मैनेज तो करना चाहिए। लेकिन हम क्लाइंट्स के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जहाँ सरकार इस बात की गाइडलाइंस देती है कि सुरक्षित हरियाणा, ये सुरक्षित हरियाणा की मैं जीती जागती तस्वीर दिखा रहा हूँ। ऐसे ही लॉकडाउन होगा क्या? ऐसे ही सुरक्षित हरियाणा होगा क्या? ऐसे ही मैं बता दूं कि इस लॉकडाउन जो 17 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। ये बैंक का दृश्य दिखा रहा हूं मैं, हाँ, ये बैंक का दृश्य दिखा रहा हूं। धारा 140 पूरे जिले के अंदर लगी हुई है, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, कुछ पुरुष भी खड़े हैं, एक दूसरे के साथ कैसे सटे हुए हैं ये देख लीजिए। इन बैंकों का ये नज़ारा है, नेशनलाइज्ड बैंक हैं ये। तो आम आदमी, और जब सड़कों पे घूम रहा है तो उसका चालान भी काटते हैं, और उसका दुकानों का यानी कि केस भी दर्ज होते हैं। यहाँ क्या हाल है देखिएगा, कौन देखने वाला है इनको, कौन देखने वाला है? हाँ बताइए, ये लाइन लगी है, यहाँ पे पीसीआर थी, मैंने पीसीआर को बोला सर जो डायरेक्ट घुस रहे हैं उनको पीछे लेके आए लाइन में। मैं यहाँ से था, यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन लोग आते डायरेक्ट यहाँ से घुसते। बैंक कर्मचारियों को बोलते हैं, वो कहते हैं हमें क्या पता, आप अपनी लाइन आप डिसाइड करो। क्या कोई इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, क्या लॉकडाउन की चैन ऐसे ही तोड़ेंगे? क्या इन अधिकारियों का कोई मतलब नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए? सही बात है भाई साहब, हम आपकी बात से इत्तफाक करते हैं। यहाँ प्रॉपर यानी कि सुरक्षा कर्मी भी होना चाहिए, पीसीआर भी होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देखना चाहिए। जब हम लाइन में लगे, क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र यादव, डाणा कला से हूँ मैं। जब हम यहाँ पे आते आते मैं यहाँ पे लगा, मैं यहाँ तक आया, लाइन बेशक आगे एक किलोमीटर तक चली जाए, इसमें कोई बात नहीं है। अगर यहाँ बकायदा गोल दायरे लगे होने चाहिए, सभी दुकानदारों ने गोल दायरे भी बना रखे हैं, लेकिन यहाँ का हाल देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा कि यहाँ पीसीआर आई हुई है, और यहाँ दिखाते हैं नज़ारा, इनसे देखते हैं कि जानते हैं हाल। देखिए बहन जी क्या हाल है यहाँ पे, हेयर लाइज द पुलिस, पुलिस कहाँ है यहाँ पे? देखिएगा एक इंच की दूरी भी नहीं है, सुरक्षित हरियाणा का नाम दे दिया गया है। अभी कॉन्स्टेबल आई है यहाँ पर, इनसे जानते हैं हेड कॉन्स्टेबल। बहन जी हमें बताइएगा ये क्या है? देखिए देखिए, ये अब हमारे कहने के बावजूद एक हेड कॉन्स्टेबल पहुंची है इनको। यहाँ तो जिसको कोरोना नहीं होगा उसको भी कोरोना हो जाएगा जी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो भाई साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं आपको कुछ नहीं है, बड़ी चीज करनी चाहिए इनको, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और ये देखिए पुलिस कॉन्स्टेबल पहुंची है बैंक में, काम ही नहीं करते। हाँ जी बताइए आप। मैं तो 20 बार आ लिया, 15 इस बार सीनियर सिटीजन में हूँ, और यहाँ हर बार। बैंकिंग के टाइम कितने बजे तक कर दिए हैं? किसकी? इनके बैंक के कितने बजे तक टाइम है? मेरे 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक टाइम होते हैं इनके। अच्छा, अरे कई बार चक्कर काट लिए, ना ये काम करते हैं ना कुछ। चलो भीड़,
ये देखिए दो गज की दूरी का नतीजा दिखाता हूँ, ये हेडफोन स्टेबल लगी है, हमारी आवाज़ सुनकर यहाँ पहुंची है। और क्या इनके ये, अगर दो गज की दूरी मास्क है जरूरी तो एक किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक इंच की भी लाइन नहीं है। ये पुलिस कर्मी भी क्या करते हैं, जिनको हम अक्सर वार वॉरियर कहते हैं, आँख मूंद कर यहाँ से निकल जाते हैं। देखिएगा इस बैंक का नज़ारा हम दिखाते हैं कि अब लॉकडाउन 17 तारीख तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसे महामारी अलर्ट सुरक्षा, हमने यहाँ बैंक का नज़ारा दिखाया है, ये नेशनलाइज्ड बैंक है, यहाँ सुरक्षा कर्मी भी होते हैं। इसी तरह अगर ये लॉकडाउन टूटता रहा और इसी तरह ये धारा 144 टूटती रही तो सुरक्षा सुरक्षित हरियाणा नहीं रहेगा। मैं बता दूं, मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ इसी तरह हम आपको सूरत हाल तस्वीर दिखाते रहेंगे कि कैसे यानी कि धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है और कोई पीसीआर और कोई अधिकारी बिना संज्ञान लिए यानी पुलिस यहाँ एक बारी हाथ हिलाकर पीछे हट जाइए पीछे हट जाइए, फिर वही भीड़ वहाँ जमा हो गई है, कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। देखते रहिए हाथ की आवाज़। इसी तरह हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि कैसे संक्रमण फैल रहा है बैंकों के सामने, ये हाल देखते रहिए हाँसी की आवाज़। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।